हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको क्लास एट में अभ्यास एक करवाने वाले हैं। अभ्यास एक का पूरा क्वेश्चन जितना भी है सब करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा क्वेश्चन का सॉल्व देखिए। देखिए हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरल कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना होगा इसे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से उतारा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सिस्टमेटिक करना है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना तब नहीं उतारते हैं, तो जब सॉल्व किया जाता है यानी हल किया जाता है तब एक बार लिख लिया जाता है। तो देखिए इतना हो गया, तो 4/5, ये देखिए प्लस माइनस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस 2/5। देखिए दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर है तो एक हर नीचे लिख लेंगे और ये 4 - 2 कर देंगे ना, यहाँ पर बराबर लगाते जाएंगे, तो 4 - 2 जाए कितना बचेगा, 2/5। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक। समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो एक बार फिर से पीछे करके देख लेना। चलो अब दूसरा हल करते हैं, सवाल नंबर 2 यानी पहले का सेकंड। देखो ये भी इसी प्रकार से करना है, हल यहाँ पर -4/-5 प्लस 2/-5, ठीक। यहाँ पर देखिए ये माइनस ऊपर है, माइनस नीचे, जब ऊपर और नीचे होता है तो प्लस में हो जाते हैं दोनों, यानी कि 4/5 हो जाएगा। प्लस ये माइनस है, एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर माइनस ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस होता है 2/5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, हर बराबर है, लिख लेंगे 4 - 2 जाएगा कितना बचेगा, 2/5, ठीक। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है, आ गया समझ में ना। तो आपका प्रश्नावली अभ्यास एक का पहला सवाल का दूसरा यानी पहला दूसरा हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए सवाल नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, ठीक है। तो आपका पहला सवाल है दूसरे का 3/4 + -2/-2। अब इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, तो ये देखते हैं कैसे दिखाना है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे हल, ठीक है। जब इनको हम हल कर लेंगे फिर उसके बाद संख्या रेखा बनाएंगे। ये देखिए माइनस ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -2/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है जानते हो, देखो 4, 2 का एलसीएम जब लेंगे, 2 से 2 * 4, 2 * 1 = 2, फिर 2 * 1 = 2, 1 ठीक। देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 * 2 = 4, तो हम एलसीएम ले लिए 4 आया है, ठीक है। अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 4 * 4 होता है, तो जब भाग देने पर एक बार 1 आया तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। अब 2 से 4 में भाग देंगे, 2 * 2 = 4, 2 आ रहा है तो 2 को ऊपर कर देंगे माइनस के, ये इस तरह से हो गया ना, ठीक है। अब देखिए अब 3 है, ये -4 है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/4, ठीक। इतना आ गया, अब हम संख्या रेखा एक बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, इसके दाहिने तरफ बढ़ती है संख्या यानी 1/4, फिर 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4, यहाँ 5/4, ठीक। अब ऐसे इस तरफ भी, यहाँ पर 1/4 माइनस में, -2/4, इधर -3/4, इधर -4/4, इधर -5/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में 3 है ना, पहले आप यहाँ से प्लस की 3 और चलिए, 0 से उठ करके प्लस की 3, ठीक। इस प्रकार से चला जाता है, ये तीर की निशान हमें यह बताती है कि हम 0 चलना शुरू किए, 3 पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर हमारा -1/4 है। ये देखिए इसको इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, है ना। अब इनको
टोटल इस तरह से दिखा देंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, ये सवाल है उसका सॉल्यूशन ही मिला नीचे। अब हम चलते हैं दूसरे के दूसरी तरफ, चलिए इसे सॉल्व करते हैं ना। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर भी देखिए माइनस, नीचे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे, 3/4 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/6। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका कैसे लिया जाएगा, देखो 4, 6 का एलसीएम जब लेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक, फिर 2 × 2 = 1, ये 3 नहीं कटेगा उतार लेंगे, तो 3 × 1 = 3 हो जाता है ना। इस तरह से अब गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो कितना आ गया, 12, एलसीएम का 12 आ गया। तो 4 से भाग दोगे 12 में तो 3 आएगा, 4 × 3 = 12 होता है। अब 3 का ऊपर करो गुणा, 3 × 3 = 9, माइनस में अब देखिए 6, ये कितना है, 6 से भाग दोगे 6 × 2 = 12, और 5 × 2 = 10 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये घटाने पर −1/12 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे होगा, संख्या रेखा एक बना लेंगे इस तरह से, यहाँ बीच में हम 0 रख लेंगे। अब इसके दाहिनी तरफ प्लस होती हैं, 1/12, देखिए बटे में जो रहेगा उसी प्रकार से रखेंगे, 2/12, यहाँ 3/12, यहाँ पर 4/12, यहाँ पर 5/12, यहाँ पर 6/12, यहाँ पर 7/12, यहाँ पर 8/12, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर 9/12, यहाँ पर 10/12। ठीक, इस तरह से यहाँ पर −1/12, इधर −2/12, इधर −3/12। देखिए हमें इस तरफ ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो हम लोग इतना ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले सवाल में, यहाँ पर ये जो 9 है ये प्लस में है ना, ठीक, ये 9 है प्लस में, तो हम पहले प्लस की तरफ 9 बार चलेंगे, 9 तक। देखिए 0 से उठेंगे और 9 तक जाएंगे, देखिए ये 9 तक, यहाँ तक। ठीक है, ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। और उत्तर तो −1/12 आया है ना, तो इसको भी इस तरह से हम दिखा देंगे, और इसको पूरा टोटल इस तरह से, ये इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक, आया समझ में आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये आपका दूसरे का हल हो गया। ठीक है, देखिए अब आपका ये तीसरे का पहला और दूसरा हल करना है। ठीक है, इससे कैसे करना है, यहाँ पर हर का ल से लेकर करना है। ठीक, तो आइए करते हैं पहला सवाल, चलिए हमें हल करना है ना, तो सीधा हल कर रहे हैं। देखिए पहले 5/12 हो गया, अब चिन्हों को गुणा कर लेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो होता है, 7/16 हो गया। अब देखिए इनका लस लेना है 12 और 16 का। ठीक, 12 और 16 का लस लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 2, ये 3 उतरता जाएगा, नहीं कटेगा तो उतरता जाएगा, 2 × 2 = 2, अब 3 से 3 × 3 = 3। ठीक है, अब देखिए इनका गुणा कीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, और एक मिनट देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। ठीक, 48 आएगा, कितना आएगा, 48, तो इनका एलसीएम आ गया 48। अब इसे 12 से भाग देंगे, 48 में 12 × 48 4 बार आएगा, तो 4 का ऊपर गुणा कर दो, 5 × 2 = 20, माइनस अब 16 × 3 = 48, 3 आ गया। अब 3 का गुणा पर ऊपर कर दो, 7 × 3 = 21 =,
अब 20 में से 21 घटेगा माइनस 1/48, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए पहला हो गया, अब दूसरा हल करते हैं। देखिए ये भी हल करना है, देखिए इसी यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस हट जाएगा और बचेगा 3/11, फिर इसका प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस 4/33। अब इनको हल करेंगे, ये एलसीएम इनका 33 आएगा, क्योंकि देखो 11 पहाड़ में 33 आ जाता है ना, तो इसलिए 33 होगा। तो देखिए अब 11 से भाग देंगे 33 में 3 आएगा, 3 गुणा ऊपर कर दो 3 3 9 माइनस, और 33 1 9 33, तो 4 1 9 4 बराबर 5/33, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा अभ्यास एक का तीसरे का पहला दूसरा भी हो गया। ठीक है, देखिए जो चौथा सवाल है मान याद कीजिए, ये वाला सवाल आप लोग खुद करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तब तक लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।